तो जी बस आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लिप बाम। घर का बना हुआ लिप बाम आप बनाइएगा और अपने होठों को पिंक, सॉफ्ट और वीआईपी अपने होठों को कलर दीजिएगा। आपको लिपस्टिक लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप ये लिप बाम बनाएंगे और आप सारे लिपस्टिक को भूल जाएंगे। इतना ज़बरदस्त ये लिप बाम बनता है और इसको आप रख सकते हैं 2 से 3 महीने के लिए बनाकर। और चलते हैं, शुरू करते हैं आज का लिप बाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक आप सबको हंसता रखे, मुस्कुराता रखे, आमीन सुमा आमीन। तो जी बस आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिन बहनों बच्चियों भाइयों के होंठों के ऊपर पपड़ी बन जाती है या होंठों पर पिगमेंटेशन हो जाती है, उनके लिए घर की बनी हुई बाम लेकर आई हूँ। और आज हम बनाएंगे बाम और ये बाम आपको ज़रूर पसंद आएगी। और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा होंठों के ड्राई हो रही है और होंठ जो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, तो इस क्रीम से यानी जो बाम हम बनाएंगे इससे आपके होंठ बिल्कुल सॉफ्ट भी हो जाएंगे और पिंक भी हो जाएंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं आज की हम रेमेडी जो कि हम बनाएंगे बाम लिप। तो जी चलते हैं, बनाते हैं लिप बाम। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 2 अदद हमें चुकंदर चाहिए दरमियाने साइज़ के, इनको हमने छील कर, और पहले हम धोएंगे फिर छील कर हम छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद हम ग्राइंडर में डालकर थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी डालेंगे, या तो फिर आप आलू डाल दीजिएगा इसके अंदर, उससे भी क्या होता है टैनिंग जो होती है फेस की वो भी ख़त्म हो जाती है, लिप की भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने फिलहाल सिर्फ और सिर्फ चुकंदर का जूस निकाल लिया है, तकरीबन हमारे पास 1/4 कप के करीब ये चुकंदर का जूस है। और इसको अब मैं एक पैन के अंदर डाल दूँगी, यहाँ पर ये मेरे पास पैन है, इसके अंदर डाल दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं इसको हल्की आँच पर चूल्हे पर रख कर इसको मैं पकाऊँगी और फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसके अंदर मैंने कौन कौन सी और चीज़ें शामिल करनी है। और चलते हैं, इसको चूल्हे पे रखते हैं। जी बस यहाँ चूल्हे पे मैंने पैन को रख दिया है और अब मैं इसके नीचे जला दूंगी आग। बिल्कुल आग आपने बहुत हल्की रखनी है, इसके नीचे तेज़ आग नहीं रखनी, वरना ये हमारा जूस जो है वो जल जाएगा और जिस तरह हम लिक्विड चाह रहे हैं हमारा लिक्विड ठीक हो वैसा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने इसको बहुत हल्की आँच पर पकाना है, बिल्कुल मीडियम आँच पर। इसको 2 से 4 मिनट के लिए हम इसको पकाएँगे। तो जी यहाँ पे हमारे चुकंदर को, चुकंदर का जो जूस है उसको अच्छी तरह जो है ना सेक लगना शुरू हो गया और बॉयल आना शुरू हो गए हैं, हमने इसको अच्छी तरह पकाना है। बिल्कुल हमने इसका तकरीबन चौथाई हिस्सा रखना है, जितना भी ये चुकंदर का जूस है ना इसको बिल्कुल हमने थिक कर लेना है पका करना। तो जी बस यहाँ हमारा जो जूस है बहुत अच्छी तरह पक चुका है और ये देखें बिल्कुल बहुत थिक सा हो चुका है और हमने इसको बिल्कुल इतना पकाना है कि ये बिल्कुल हमारा जो जूस है ये थिक सा हो जाए, इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बन जाए। तो अब मैं चूल्हा कर दूंगी बंद और बाकी की चीज़ें इसमें शामिल करूंगी, इस तरह आप इसको ठंडा कर लें। और ये 1 कप था और ये देखें बिल्कुल चंद चम्मच जो है ना हमारे पास 3 से 4 चम्मच ये जूस मैंने बाकी इसका बचाया है, ठीक हो गया। तो जी ये देखें बिल्कुल हमारे पास तकरीबन 1.5 चम्मच के बराबर हमने ये जूस बिल्कुल थिक कर लिया हुआ है। अब इस गर्म गर्म के अंदर ही हमने क्या करना है, तकरीबन 1/4 चम्मच जो है ना ग्रेसलीन का वो हम डालेंगे पेट्रोलियम जेली का, ठीक हो गया। बस इतना सा आपने इसके अंदर पेट्रोलियम जेली शामिल करनी है इसको अच्छी तरह, क्योंकि गर्म हम डालेंगे तो ये अच्छी तरह जो है मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ ग्रेसलीन शामिल करेंगे, तकरीबन चंद कतरे इसके अंदर ग्रेसलीन आप शामिल करेंगे, आप यकीन माने बहुत पिंक और सॉफ्ट आपका ये लिप बाम बन जाएगा। और यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी, जल्दी जल्दी करना है ये प्रोसीजर, क्योंकि गर्म गर्म के अंदर ही करेंगे, ठंडा होगा तो फिर ये सही तरीके से मिक्स नहीं होगा। तो यहाँ मैं इसके अंदर डाल दूंगी आलमंड ऑयल, मीठे बादामों का ऑयल आपने इसके अंदर शामिल करना है चंद कतरे, ये मैंने ऑयल डाल दिया बादामों का। अब मैं डालूंगी विटामिन ई के कैप्सूल इसके अंदर शामिल करूंगी, तकरीबन 3 अदद विटामिन ई के कैप्सूल यहाँ मैंने ले लिए हैं, 1, 2 और ये 3, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर शामिल करने हैं, ये मैंने डाल दिया 1 अदद और ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 2 और ये 3, ये देखें। और आप बहुत खूबसूरत सी कटोरी के अंदर आप इसको डाल कर रखिएगा और ये आपकी बिल्कुल भी 2 महीने 3 महीने ख़राब नहीं होगी, और ये जब ठंडी होगी तो बहुत अच्छा सा ये जम जाएगी। और यहाँ देखें बहुत ज़बरदस्त हमारा ये लिप बाम बन कर रेडी हो चुका है और मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और फिर मैं इसके अंदर जार के अंदर इसको डाल दूँगी और ये जब ठंडी हो जाएगी हमारी बिल्कुल बाम की तरह ये रेडी हो जाएगी। अच्छी तरह मैं मिक्स करूंगी इसको। तो जी बस यहाँ हमारा लिप बाम जो है घर का बना हुआ लिप बाम तैयार हो चुका है और आप भी इसी तरह लिप बाम ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त नतीजे मिलेंगे आपको। यहाँ से आपने बस थोड़ा सा बाम लेना है, ये देखें थिक हो चुका है हमारे पास, ये देखें
और ये आपका टिंट का भी काम करेगा और आपके लिप पे भी बहुत अच्छा ये पिंक पिंक पीची कलर आपका इससे आ जाएगा। ये देखें इतना बिल्कुल सॉफ्ट सा आपका लिप बाम बनकर रेडी हो गया है। तो इसको ज़रूर बनाएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ ये रेमडी आपको ज़रूर पसंद आएगी। व्यूअर्स अगर आपको ये रेमडी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, नई रेमेडी के साथ, नए टोटके के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।